अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल आर्मी। आज मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा स्काउटिंग का कि पाकिस्तान में स्काउटिंग है क्या, इसका स्कोप क्या है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि स्काउटिंग का क्या रोल है पाकिस्तान में, यूनिफॉर्म पहन के बच्चे फिर रहे होते हैं, मतलब ये है क्या चीज़। कुछ लोग जो थोड़ा जानते हैं इसको बहुत वर्थी समझते हैं, कुछ लोग डिफरेंट नाम से तशबीह भी दिए जाते हैं। लेकिन अच्छा, मैं आपको अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा स्काउटिंग का, इंशाल्लाह इस पर एक ब्रीफ वीडियो भी बनाएंगे हम आगे चल के अपने व्लॉग्स में। आज मैं आपको स्काउटिंग का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। स्काउटिंग, वर्ड स्काउटिंग दो लफ्ज पे मुश्तमिल है, एक सेंस ऑफ आउटिंग, ठीक है। एस सी स्काउटिंग साइंस एंड ओ यू आई टी एन जी आउटिंग, सेंस ऑफ आउटिंग, इसका लफ्ज का उर्दू में मतलब जासूस भी दिया जाता है। इसकी हिस्ट्री है कि उसमें जो स्टार्टिंग में हमारा बुनियादी जो एक वाक्या है वो डिपेंड भी जासूसी पे ही करता है। स्काउटिंग को फर्दर आगे हमारी जो है उसमें चार जो है वो हिस्सों में डिवाइड, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन आपके शाहीन, जो छोटे बच्चे, और उसके बाद बॉय स्काउट्स जो 11 से 17 साल के एज के होते हैं, उसके बाद आपके आते हैं रोवर जो 17 से 25 साल के होते हैं, देन चौथे जो हैं वो 25 से ऊपर आपके लीडर्स आ जाते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। 11 साल तक के किसी भी बच्चे को शाहीन कहा जाता है, ठीक है जी। पर्पस क्या है और हमारी वर्थ क्या है? एक्चुअली स्काउटिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम लोग एक प्रॉपर अदारा है पाकिस्तान में जिसकी सरबराही ओवरऑल पूरे मुल्क में सदर पाकिस्तान करते हैं, जो भी मौजूदा सदर पाकिस्तान होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। और उसके बाद हमारे प्रोवेंशियल लेवल पे हमारे जो गवर्नर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और हमारा ताल्लुक जो है वो तालीम से होता है, तालीम के महकमे से, तालीम का महकमा ही हमारी सरबराही और सुपरविजन करता है। बाकी स्काउट्स के अपने कुछ ओहदे और उनकी एक बॉडी है जिसपे वो सारे जो है वो काम करते हैं वो लोग उसमें। आगे स्काउट्स का क्या पर्पज है? स्काउट्स देखें, शाहीन ऑब्वियसली जब बच्चा एक लर्निंग एज में होता है, छोटा बच्चा होता है, हमारी यही कोशिश होती है कि उसको माशरे में एक बेहतर आगे दिखाया जाए और उसकी एक बेहतरीन जो है वो तरबियत की जाए। जब बॉय स्काउट बनता है बच्चा तो वो अपनी कॉलेजेस और स्कूल की एज में होता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक एनर्जी होती है करने की, अपने बड़ों को देख के कि मुझे ये भी करना। स्काउटिंग उनको सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। नंबर फोर रोवर्स आ जाते हैं, रोवर्स फिर इन फील्ड जो है वो डिफरेंट जो हमारे स्काउटिंग के अल खिदमत ले लें आप, सर्विस इन ओपन एयर, हम लोग हमारा जो मेन पर्पस होता है सर्विस इन ओपन एयर, मुख्तलिफ इलाकों में जाके कैंपिंग करना, लोगों की हेल्प करना। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म में होते हैं ऑब्वियसली, और एक प्रॉपर अदारा भी है तो ये एक हमारी अपनी शान है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्पस है, और रोवर स्काउट्स जाते हैं मेन एरियाज में, कैंपिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, अल्लाह ना करे कोई मुल्क में एमरजेंसी सूरत हाल आ जाती है, जैसे अभी फ्लड आया हुआ उसमें स्काउट्स की अब बहुत सारी खिदमात हैं। जो बॉय स्काउट्स हैं वो स्कूल में अपने किरदार को बेहतर बनाने और अपने दोस्तों को बेहतर उनकी जो है वो तरबियत करने में उनका जो है वो बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा स्काउटिंग इन चीज़ों से हट के आपको ऑलराउंडिंग हर चीज़ में जो है मौके फ्राहम करती है, जैसे तकारीर हो गई, कोई कंपटीशन हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हमारा हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप है। आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्कूल में, आपके इलाके में ओपन ग्रुप्स होते हैं, आप उनके ग्रुप्स के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर स्काउटिंग की हुई है तो आपको ये CSS में काफ़ी कारामद होगी, इसके कुछ नंबर्स होते हैं और मुख्तलिफ जगह पे एक स्काउट को प्रेफर किया जाता है एक आम बंदे के ऊपर। इसके अलावा स्काउटिंग को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो तरह के लोगों के लिए। एक वो जो सिर्फ स्काउटिंग करते हैं अपने किरदार को बेहतर करने के लिए, अपना जो है वो उसको पूरा करने के लिए, और दूसरे वो लोग होते हैं जो इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, प्रोफेशनली मीन्स के वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो स्काउटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में करियर भी प्रोवाइड करती है, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे आप बेसिक करते हैं, फिर एडवांस कोर्सेज होते हैं, जैसे आर्मी में आप कोर्स करके प्रमोशन लेते हैं, इस तरह इसमें भी कोर्सेज होते हैं, बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, उसके बाद आप ALT करते हैं, फिर LT करते हैं, फिर इसी के साथ आपको आपके इलाकों में या कहीं पर भी खिदमात सर अंजाम देने का जो है वो मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं स्काउटिंग से रिलेटेड ब्रीफ वीडियो भी बनाऊंगा पूरा, जिसमें स्काउटिंग की हिस्ट्री से लेके आप कैसे स्काउटिंग को प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हैं, ये कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी एक आपको लंबी वीडियो आएगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप स्काउटिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।